हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग गोधली जो चैप्टर गोधली के जितने भी चैप्टर हैं उनको बारी बारी से समझेंगे, जिसमें पहला कड़ी आता है फर्स्ट चैप्टर का। आप सभी जानते हैं, जो भी बच्चे कक्षा 10 के हैं, जो 10वीं क्लास के बच्चे हैं और जो बीएसईबी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए जो 10th क्लास का बुक है, मैंने बैचेज में सबको बताया हुआ है कि गोधली भाग 2 जो है ये कक्षा 10 का हिंदी का बुक है, जिसमें आप सभी को पता है कि प्रोज और पोएट्री यानी गद और पद खंड दोनों हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया था, गद खंड जो 12 है, जिसमें सभी पाठ का नाम और उसके सामने सभी के राइटर्स के नाम यानी लेखक के नाम दिए हुए। फिर काव्य खंड में जहाँ बहुत सारे कविताओं का संग्रह है, उसमें 12 कविताएं और सबके लेखकों के नाम दिए गए। तो इस अनुक्रमणी को भी याद रखना बहुत जरूरी है कि किस पाठ के कौन से लेखक हैं। इसको कभी कभार जैसे मैच द फ्लोइंग होता है मिलान करने के लिए, तो मिलान करने में कभी लेखक का नाम देता है उसके सामने पाठ का नाम देगा, कभी पाठ का ही नाम देगा उसके सामने लेखक का नाम देगा, वो अल्टरनेट रहता है, आपको मिलाना होता है। तो इस अनुक्रमणी को याद रखना है जो दोनों सेक्शन का है, दोनों खंड का है, गद खंड और काव्य खंड। तो आज हम लोग 10th का हिंदी यानी 10वीं क्लास का हिंदी जो शुरू कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले गद खंड, जहाँ पे बहुत सारे कहानियों का संग्रह है, जिसमें 12 पाठ को दिए गए हैं, जिसमें का पहला जो पाठ है वो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसको एक निबंध के तौर पर देखा गया है, जिसको लिखने वाले कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आज हम लोग भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ श्रम विभाजन जाति प्रथा जो निबंध है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप सभी चैनल पे बहुत पहले से जुड़े हैं और मैंने वहां पे 12th क्लास का इंग्लिश और 12th क्लास का हिंदी कंप्लीट करवाया है, जहां पे आप सभी ने बहुत सारा दुलार प्यार दिया है। और उसी कड़ी में मैं फिर से ये कह रहा हूं कि आप सभी जो भी हमारे चैनल को विजिट करते हैं, जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और जो भी नए हैं, सबके लिए एक आग्रह है कि इस वीडियो को आप लोग बहुत अच्छे से देखें और आपके जान पहचान और आपके नजदीकी करीबी में जो भी बच्चे जो 10वीं की तैयारी कर रहे हैं और उनको हिंदी और इंग्लिश में जो भी चीजें चाहिए वो मटेरियल्स के लिए हमारा चैनल आपके सामने है, फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे सारे चीज सारे मटेरियल्स उपलब्ध है। उसी कड़ी में ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो फर्स्ट चैप्टर है, प्रथम पार्ट है, इससे मैं शुरुआत कर रहा हूँ और कंटिन्यू वीडियो अपलोड करूंगा मैं, जिसमें कक्षा 10 के जितने भी चैप्टर हैं उसको आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे, उसके रिगार्डिंग हम अच्छे से जो होता है अंडरस्टैंडिंग समझ वो बना पाएंगे। तो आइए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध, ये पाठ क्या कहता है, इस पाठ के अंदर किन चीजों की चर्चा हुई है, क्यों इस पाठ का नाम श्रम विभाजन और जाति प्रथा पड़ा है, भीमराव अंबेडकर ने इनको लिखा है तो भीमराव अंबेडकर ने इस पे अपनी क्या क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं। और पहले की बात ही, जैसे जो 12th क्लास के बच्चे हैं वो जानते हैं और जो 10th वाले बच्चे हैं जो कंटिन्यू विजिट करते हैं वीडियो, उनको भी पता है कि पहले जो चैप्टर है उसके हेडिंग को जानना बहुत जरूरी होता है, हेडिंग का अर्थ जानना जरूरी होता है और उस संदर्भ में राइटर का अपना मत क्या है, लेखक का अपना मत अपना विचार क्या है, उसको जानना जरूरी होता है। और किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके हेडिंग के साथ साथ राइटर का डिटेल्स, उसकी बायोग्राफी, उसका जीवनी, उसका आत्मकथा, ये सारा चीज जानना जरूरी होता है। इसी कड़ी में मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम यानी कि मेहनत, श्रम मतलब मेहनत हम जानते हैं, और मेहनत को कैसे विभाजित किया गया, कैसे बांटा गया है और कैसे बांटा जा सकता है, बांटा जाना अच्छा है या नहीं है, इसके क्या क्राइटेरिया है, इसके क्या पक्ष है, इन सभी को जानना है, मेहनत के पक्ष। और एक जाति प्रथा जिससे कोई भी अनभिज्ञ नहीं है, सब किसी को पता है कि जाति प्रथा क्या है, एक कास्ट बेसिस है ये। तो हम इस चैप्टर में श्रम को यानी मेहनत को और जाति को दोनों को पढ़ने वाले हैं, जिसपे भीमराव अंबेडकर का बहुत सुंदर वक्तव्य है जिसको जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर का जीवनी क्या रहा है, उसके बाद उन्होंने श्रम विभाजन जाति प्रथा पे क्या कहा है, दोनों को जानेंगे। बहरहाल अब जब सब जान पाएंगे उसके बाद एक अच्छा समरी लिख पाएंगे, इसका अच्छा सारांश निकाल पाएंगे और लोगों को बता पाएंगे। तो पहले भीमराव अंबेडकर के बारे में जानते हैं। भीमराव अंबेडकर जो है, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ है, जन्म स्थान क्या है, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ है। फिर इनकी मृत्यु की बात आती है, इनकी मृत्यु हुई है 6 दिसंबर 1956
उम्र 65 वर्ष की थी, इनका जो मृत्यु हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये भी दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखेंगे। फिर आती है और भी बहुत सारी बातें जो भीमराव अंबेडकर के बारे में है और हमें जानना भी बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने जन्म जाना, जन्म स्थान जाना, मृत्यु का समय जाना, मृत्यु का स्थान जाना, ओके। इसके बाद इन्होंने उच्च शिक्षा यानी कि इनका जो हायर एजुकेशन है, इनकी जो पढ़ाई लिखाई हुई है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। उसके साथ साथ ये भारतीय राजनीति में और भारतीय आजादी में किस तरह का योगदान दिए हैं, उन सभी चीजों को भी जानेंगे। तो उच्च शिक्षा में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इस स्कूल से या इस यूनिवर्सिटी से इन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री ली है, जो बहुत बड़ी डिग्री होती है, और बाबा साहब का ये, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ये डिग्री है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और पॉइंट आता है कि संविधान सभा के नेता के रूप में और संविधान सभा के निर्माता के रूप में इन्हें याद किया जाता है, जाना जाता है, ये हम सभी जानते हैं। फिर इसके साथ साथ एक सामाजिक सुधारक भी थे, जो सोशल कल्चर जो होता है, सोशल रिफॉर्मर्स होता है, उसके तौर पर इन्होंने काम किया है, समाज को सुधारक और समाज को नई दिशा देने का प्रयास किया था। फिर इनका एक और पॉइंट है अस्पृश्यता के खिलाफ, अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन, यानी कि जो अस्पृश्यता होता है, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, तो छुआछूत के खिलाफ जो आंदोलन था, जो लड़ाई था, उसमें इन्होंने अपनी भागीदारी दिखाई है और इस पे इन्होंने आंदोलन किया है। फिर आते हैं अगले पॉइंट पे, जहां पे जानेंगे कि 1936 में इन्होंने एक स्वतंत्र श्रमिक पार्टी बनाई थी, जो मजदूरों की लेबर पार्टी जिसे कह सकते हैं, और ये एक तरह से बहुत अच्छा वर्क भी करता है श्रमिकों पे, जहां जहां श्रमिक काम करते हैं उनके लिए एक एक्ट है, बाहर में अपने स्टेट के बाहर भी, जहां पे ये 1936 में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी बनी थी, इस पे भी इस चीज को दिखाया गया था। फिर है भारतीय रिजर्व बैंक, जो हमारा आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक, उसके गठन में, उसके एस्टेब्लिश होने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। फिर अब लास्टली एक और पॉइंट जो है बहुत अच्छा है कि जैसे मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई है, इस दिन को, इस दिवस को हम लोग महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि जो मृत्यु का दिन है, दिनांक है, उसको हम लोग महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो ये रहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपना जीवनी, बायोग्राफी। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉइंट व्यू से और समरी लिखने के लिए भी दोनों को कंप्लीट करेंगे, जो भी चीजें मैंने बताया है, इस चीज को आप कंप्लीट करेंगे। और मैं थोड़ा बोर्ड से रिलैक्स होता हूँ, जस्ट अ मिनट और जस्ट अ सेकेंड कह सकते हैं, कि जहां पे आप इस चीज को देख पाए, स्क्रीनशॉट लेना हो, कॉपी राइट डाउन करना हो, आप कर सकते हैं। तो आप एक बार देखें इसको, आप यहां से देख सकते हैं, श्रम विभाजन जाति प्रथा निबंध, यहाँ पे भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर के लिए ये सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हो सकता है। आप जन्म को लिखें, जन्म का जो समय होता है, जन्म का जो स्थान होता है वो लिखें, मृत्यु का लिखें, उनकी 65 वर्ष की उम्र में निधन हुई थी ये लिखें, और भारतीय परिप्रेक्ष्य में इनका क्या क्या योगदान रहा है ये सभी, और उस शिक्षा ये सभी लिख लें आप लोग, ठीक है। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं इस पाठ को, जिसमें श्रम विभाजन जाति प्रथा के संदर्भ में इन्होंने क्या क्या कहा है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि श्रम में पेशा चुनने की छूट होती है, श्रम में पेशा चुनने की छूट आजादी होती है, लेकिन जाति प्रथा में ऐसा नहीं होता है। इन्होंने एकदम सही बात कहा है, श्रम जो होता है यानी मेहनत जो होता है, मजदूरी होता है, वहां पे हम अपनी पेशा को चुन सकते हैं। अलग अलग तरह की दुकानें हैं सबकी, अलग अलग तरह का सबका काम है, कर्म है, वो सब श्रम ही है, जहां से वो पैसे कमा रहे हैं, अपने घर को चला रहे हैं, यानी कि मेहनत और मजदूरी कर रहे हैं। तो मेहनत और मजदूरी का जो एरिया होता है, क्षेत्र होता है, उसमें आपकी आजादी है, आप कोई भी पेशा चुन सकते हैं। पेशा आप कोई भी चुने, श्रम तो आपको करना ही होगा, लेबर तो आपको करना ही होगा, मेहनत तो आपको करना ही होगा। तो यहाँ पे भीमराव अंबेडकर ने बताया है कि श्रम में पेशा चुनने की छूट है, लेकिन जाति प्रथा में नहीं है ऐसा, ठीक है। फिर कह रहे हैं श्रम रोजगार बदल सकता है, श्रम में हम लोग रोजगार को बदल सकते हैं। उसके बाद जाति प्रथा में ऐसा नहीं है, इन्होंने कोट किया हमेशा जाति प्रथा को, कि जाति प्रथा में बहुत सारी बंदिशें हैं, बहुत सारे बंधन हैं, लेकिन यहाँ पे श्रम में नहीं है। फिर कहते हैं कि श्रम में व्यक्तिगत कौशल, जो इंडिविजुअल कह सकते हैं, जो इंडिविजुअल होता है वो कौशल और रुचि जो होता है, इंटरेस्ट हो जाए, उसका दक्षता होता है, इस पे आधारित है। यानी कि कह सकते हैं कि श्रम होता है हमारा कौशल पे, यानी कि इंटरेस्ट कितना है, रुचि कितना है, उसकी जानकारी कितनी है, ये सभी पे आधारित हो सकता है, लेकिन जाति प्रथा इन सभी पे आधारित नहीं होता है। जाति प्रथा हम नहीं कह सकते हैं कि फलाने जाति का आदमी इस तरह का रुचि रखता है और किसी पार्टिकुलर जाति को लोग इस तरह का रुचि रखते हैं,
और किसी दूसरे जाति के लोग इस तरह का रुचि रखते हैं और किसी ये जाति के लोग इतने तेज होते हैं और इतने मूर्ख होते हैं, ये कहना एकदम से गलत है, कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। तो उन्होंने जाति प्रथा को कोट किया अलग और उन्हें बताया कि श्रम विभाजन में ये सभी चीजें हैं कि हम अपने कौशल के हिसाब से अपना श्रम अपना मेहनत कर सकते हैं या अपने पेशा को चुन सकते हैं, हम अपने रुचि के अनुसार चुन सकते हैं, हम अपनी दक्षता के अनुसार चुन सकते हैं, लेकिन जाति प्रथा में ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि मनुष्य की रुचि जो होनी चाहिए और जो क्षमता होनी चाहिए उस पर स्वतंत्रता होनी चाहिए। हम किस चीज को पसंद कर रहे हैं, हमारी रुचि किस चीज में है, उसमें हमारी स्वतंत्रता हमारी आजादी होनी चाहिए, तब जाकर हमारा श्रम अच्छे एक पटल पे जा पाएगा और हम ऐसा कर पाएंगे कि हम हमारा जो श्रम है, हमारे तरफ से जो श्रमिक जो हम मजदूरी कर रहे हैं या जो भी मेहनत कर रहे हैं वो एक सही दिशा में जा रहा है और उसका हमें बेनिफिट भी फायदा भी मिलता हुआ दिखाई देगा। फिर इन्होंने बताया कि जाति प्रथा जो है व्यक्ति को जन्म के आधार पर भूमि का कर्तव्यों का पालन करने के लिए मजबूर कर देती है। बात सही है, जाति प्रथा जो है ये हमें मजबूर करती है बहुत जगहों पे। हम अपने आप को ये बताना क्यों जरूरी समझते हैं कि हम इस जाति के हैं, हम उस जाति के हैं। जाति प्रथा एक हम कह सकते हैं एक कंस्ट्रक्ट है ये बनाया हुआ समाज में जिसके हिसाब से हम चलते हैं, लेकिन सब जगह पे तो नहीं बता सकते कि हमारी जाति क्या है। और हम ये भी तो मोनाफाइड नहीं कर सकते कि हमारी इस जाति में, हमारी उस जाति में या फलाने जाति में, किसी भी अमुक जाति में इस तरह के लोग, इस तरह के चीजों को पाया जाता है। तो जाति को एकदम से अलग रखते हैं, श्रम जो है इस पे ज्यादा डिफेंड किया गया है और जाति प्रथा को एक बार लास्टली समझाया गया कि हमें उस चीजों के चक्कर में नहीं पड़नी चाहिए। ये एक आजकल कह सकते हैं सोशल डिजीज है, सामाजिक बीमारी की तरह फैला हुआ है, इससे हमें दूर ही रहना चाहिए। तो हम जाति प्रथा पे एक बात इन्होंने ये भी बोला है कि हमारा भूमिका जो हमारा कर्तव्य होता है उसको हम पालन करने के मजबूर होते हैं जाति प्रथा में, कि जो जिस जाति से है उसे कुछ काम भी है, उसे कुछ कर्तव्य भी है, वो अपने उसके वजह से निर्वहन करता है। फिर कह रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा की आलोचना करते हैं और वो कहते हैं कि ऐसे समाज, और इन्होंने वकालत भी किया कि ऐसे समाज जहां पे सच्ची भक्ति हो, समानता हो, असमानताएं नहीं हो, सामाजिक गतिशीलता हो, समाज में हर एक लोग एक दूसरे का हेल्प करें, सहायता करें, एक दूसरे का मदद करें, ये ऐसा होना चाहिए समाज। इस तरह से जाति प्रथा की उन्होंने आलोचना की है कि जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए पर समाज में ऐसा लोग होना चाहिए जिसमें सत्यता हो और समानता लोगों के बीच में जो बराबरी है वो हो, ना कि असमानताएं। ऐसे जाति प्रथा में समाज में उन्होंने चीजों को बताया है। फिर इन्होंने जैसे अभी मैंने बताया था अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन, यानी छुआछूत जो था वो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं जैसे लैप्रोस्कोपी कोड की बीमारी होती है उस तरह से फैला हुआ था, तो इन्होंने उस पर ज्यादा फोकस किया है और अस्पृश्यता के छुआछूत के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया है महिलाओं के प्रति, और महिलाओं के प्रति जो एक छुआछूत का आवरण बना था उसके प्रति भी इन्होंने आंदोलन किया है। फिर दलित पैंथर्स हम लोग आगे पढ़ेंगे, हालांकि इस चैप्टर में उसका जिक्र नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ दलित पैंथर्स जो है मुंबई अधिवेशन वगैरह तो उसमें भी पढ़ना है हमें कि दलितों को लेके एक अलग तरह से इनका एक बयान और एक अलग तरह से रूल कह सकते हैं, लॉ कह सकते हैं, जिसमें इन्होंने उनको आगे रखा है और बताया है। 1936 में जो इन्होंने पार्टी बनाई थी उसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए, जिसमें मुख्य रूप से श्रम और श्रमिकों, मजदूरों और उनके किए हुए जो मेहनत है उन चीजों पे ज्यादा डिस्कस हुआ है, वर्णन हुआ है, उपलब्धि विचार हम इनका जाने ही। इस तरह से कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि श्रम विभाजन जो है, जो मेहनत है वो हमें करना चाहिए और अपने जीविका के लिए हम सब मेहनत करते हैं और इसी मेहनत के क्षेत्र में हमारा पेशा होता है और सबके पेशा अलग अलग होते हैं, इसलिए इन्होंने कहा कि श्रम विभाजन में या श्रम में पेशा चुनने की छूट है बट जाति प्रथा में नहीं होती। इसलिए हमें जाति प्रथा और इन सभी कुरीतियों के खिलाफ जो आवाजें हैं और जो कुरीतियां ये चली आ रही हैं छुआछूत की, इन सभी चीजों से दूर रहना चाहिए, इन सबको खत्म करना चाहिए, समाज में समानता लानी चाहिए और जो श्रम होता है उस पर अपने रुचि को एडजस्ट करना चाहिए। अगर हम रुचि के अनुसार से और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जब काम कर रहे होते हैं तो उसमें हम सफल होते हैं। यही ये कहानी में इन्होंने बताया है, यही एक निबंध के तौर पे इन्होंने लिखा है और बताया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा में क्या अंतर है, हमें किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए अपने श्रम पे और अपने श्रम को ही विभाजित करके अपने आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। हमारा श्रम अच्छा होगा तो ये सब कुछ अच्छा होगा, बट जाति प्रथा से दूर होके और अस्पृश्यता के खिलाफ ये सभी जो चीजें हैं इनको खत्म करना चाहिए, समाज में समानता और एकांत लानी चाहिए
और सबको खुशियों के साथ रहना चाहिए, समय बिताना चाहिए। तो थैंक यू, आप सभी ने देखा कक्षा 10 का चैप्टर 1 श्रम विभाजन जाति प्रथा। मिलेंगे अगले वीडियो में जहां चैप्टर 2 होगा और वहां पे पढ़ेंगे। वीडियोस कंटिन्यू अपलोड होते रहेंगे, आप सभी दोस्तों से, आप सभी जुड़ेंगे बच्चों से, चैनल पे जो भी हमारे बड़े छोटे सब हैं, सभी को प्यार करते हुए ये बताता हूं कि आप सभी विजिट करें, कंटिन्यू विजिट करें, चैनल को बहुत सारा प्यार दें, हमें देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्त तक शेयर करें। जो भी प्रॉब्लम्स हो आप सभी कमेंट में जरूर बताएं ताकि मैं इस चीज को सुधार कर सकूं और आप सभी के सामने साथ आगे बढ़ सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।